हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइट क्रीम और डे क्रीम की। अब आप कहेंगे इसे वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन नाइट क्रीम और डे क्रीम में डेफिनेटली डिफरेंस होता है, तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। जनरली जब भी हम कोई डे क्रीम लेते हैं तो हम क्या सोचते हैं, उसमें SPF हो और वो थोड़ी लाइट हो कंसिस्टेंसी में, ताकि जब हम उसके ऊपर मेकअप लगाए, भले ही आप बीबी क्रीम लगा रहे हो, तो वो बहुत लाइट हो कंसिस्टेंसी में, ताकि आपको हैवी फील ना हो। आपने ये चीज भी नोटिस करी होगी कि जो नाइट क्रीम्स होती हैं वो थोड़ी सी हैवी होती हैं इन कंपैरिजन विद डे क्रीम्स। उसका रीजन ये है कि जब आप सोते हैं तो हमारी स्किन जो होती है उस समय सोते वक्त अपने आप को रिपेयर करती है खुद से ही ऑटोमेटिकली। तो अगर आप नाइट क्रीम यूज करते हैं तो वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करती है, अच्छे से पेनिट्रेट होती है आपकी स्किन में, और उस तरीके के इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं साइंस ऑफ एजिंग, लिफ्ट करते हैं आपकी स्किन को। एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम आपने सुना होगा, वो है रेटिनॉल। ये इंग्रेडिएंट ज्यादातर आपको नाइट क्रीम्स में मिलेगा। अब आप कहेंगे कि अगर ये डे क्रीम में होगा तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर आप रेटिनॉल को डे क्रीम में इस्तेमाल करेंगे तो सन के एक्सपोजर में वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट आपकी स्किन पे अलग तरह से परफॉर्म करता है, तो आप उसको दिन में नहीं लगा सकते। जिस भी क्रीम में रेटिनॉल हो उसको आपको रात को इसीलिए लगाना चाहिए, क्योंकि रेटिनॉल आपकी स्किन को लिफ्ट करता है, फाइन लाइंस को रिड्यूस नहीं कहूंगी, लेकिन काफी हद तक जिस स्पीड के साथ बढ़ रही है फाइन लाइंस, जो पेस है उसका, उसको काफी स्लो डाउन करता है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करता है आपकी फाइन लाइंस पे, और ब्लर आउट जरूर करता है उसको। रेटिनॉल का खास काम ये भी है कि वो आपके सेल्स को बूस्ट करता है, इसीलिए वो आपकी नाइट क्रीम्स में पाया जाता है, ताकि जब आप रिपेयर कर रहे हो अपनी स्किन को रात में सोते वक्त, जब वो अपने आप को रिपेयर कर रही हो, तो रेटिनॉल उसमें उसको और मदद करेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपकी डे क्रीम के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे और आपकी नाइट क्रीम के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे वो हमेशा अलग होंगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अलग होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डे क्रीम काम करेगी और नाइट क्रीम नहीं करेगी। दोनों के पर्पसेस अलग हैं, दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, लेकिन दोनों ही काम करते हैं आपकी स्किन को हेल्दी रखने में। बार लोग ये पूछते हैं कि मैं एंटी एजिंग क्रीम कब से शुरू करूं अपने नाइट टाइम रिजीम में। देखिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 24, 25, 26 के बाद शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आप 23 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। ऑल्सो आप अपने स्किन डॉक्टर से जरूर एक बार पूछें। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर मैं नाइट क्रीम डे में लगा लूं तो कुछ हो जाएगा। होगा कुछ नहीं एज सच, लेकिन आपको डे टाइम में जो प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि SPF प्रोटेक्शन चाहिए आपको, और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रोटेक्शन चाहिए, वो आपको वो क्रीम दे नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें वो इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं। That is it for today's video. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाय।